दोस्तों आईपीएल 2021 फेज में आज आरसीबी और केकेआर के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। वहीं मैच की शुरुआत आरसीबी के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के साथ हुई, लेकिन टीम 19 ओवर में 92 रनों के स्कोर पर ही ऑल आउट हो गया और अब केकेआर को मैच जीतने के लिए मात्र 93 रन ही बनाने होंगे। वहीं अगर आरसीबी की बल्लेबाजी के बारे में बात करें तो विराट कोहली 4 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हुए। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने कोहली को LBW आउट कर मैदान से बाहर का रास्ता दिखाया। हालांकि विराट ने DRS का इस्तेमाल किया, लेकिन वह स्टंप्स के सामने पाए गए और अपने 200वें मुकाबले में मात्र 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। वहीं देवदत्त पडिक्कल भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे और 22 रन बनाकर लॉकी फर्गूसन की गेंद पर विकेट के पीछे दिनेश कार्तिक को अपनी कैच थमा बैठे। वहीं केकेआर की ओर से वरुण चक्रवर्ती ने 12वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल और वानिंदु हसरंगा को लगातार 2 गेंदों पर आउट किया। उनके पास हैट्रिक लेने का शानदार मौका था, हालांकि वह इसे पूरा नहीं कर सके। वहीं डेब्यू कर रहे श्रीकर भारत को आंद्रे रसेल ने 16 रनों पर आउट कर केकेआर को तीसरी सफलता दिलाई। अपनी इस ओवर में रसेल ने एबी डिविलियर्स को शून्य पर पवेलियन भेजा। वहीं आरसीबी की कमर तोड़कर रख दी। कोलकाता के खिलाफ डिविलियर्स दूसरी बार शून्य पर आउट हुए। वहीं मैच में केकेआर के लिए मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज वेंकटेश्वर अय्यर और आरसीबी के लिए ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा और विकेटकीपर बल्लेबाज श्रीकर भारत को आईपीएल डेब्यू का मौका मिला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।